Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskaram, my name is Nikhil. Namaskaram, everyone. I'm Bonnie and I welcome you all to the Sorry TV. हमें एक रिकमेंडेशन आया किसे केसारी लाल बिग फैंस करके एक पेज है इंस्टाग्राम पे yes. which is owned by बरका कुमार साहनी राइट सो इट गोना बी पॉपिंग अप हियर ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा गाइस डू फॉलो दैट ऑन द इंस्टाग्राम इन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजा कि एक केसारी भैया का नया सॉन्ग आया है दैट इज जस्ट एन ऑडियो यस जस्ट एन ऑडियो कॉल्ड इश्क हाँ सो हमने सोचा हम इस पर रिएक्ट करते हैं और इसका 25th को वीडियो भी आ रहा है यस ठीक है तो हम काफी कंफ्यूजन में थे कि हम रिएक्ट करें अभी ना करें या फिर 25th को करें सो हमने सोचा कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज विल कम लाइव ऑन 25th अराउंड 6 PM 6 बजे शाम को हम लाइव आएंगे एंड विल डू अ लाइव रिएक्शन इन विच पहले हम इंटरेक्शन करेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड देन वी विल हैव अ लाइव रिएक्शन ऑन द YouTube लाइव यस एंड ऑन द ऑफिशियल वीडियो ऑफ द सॉन्ग मॉर्निंग में सॉन्ग आ जाएगा बट वी वांट टू गिव दैट बफर जिसमें व्यूज और वो सब आ जाता है कि लोग कुछ कहते हैं कि तुम जल्दी रिएक्ट करते तो ये सब बट वील गिव अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ बफर एंड इफ यू गाइज हैव नॉट फॉलोड अस ऑन इंस्टाग्राम व्हाट दे गॉट टू डू इज They just have to see the Instagram handle here, that is Insta with Nick, and go guys, follow him. Right. Without wasting any time, let's just jump into the video. Ishq, singer Kesari Lal Yadav, female singer is Manisha Negi. मुझे देख सजा सोची कि बिखर जाऊंगा सुन वे बता हो कितना का बाहर जगह नजर आऊंगा मैं इश्क हूँ बुखार नहीं जो दवा से उतर जाऊंगा बुखार नहीं ये सही है जो दवा से उतर जाऊंगा ये अच्छा है अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी हम अभी उस पर स्टार्ट करेंगे गाना कैसा था मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि पहले मुझे लगा वो गिटार बज रहा है ठीक है स्टार्टिंग में दैट इज नॉट गिटार दैट इज कॉल्ड यूकलेला ठीक है जो एक छोटा होता है गिटार जैसा ही होता है बट उसमें 4 strings होती है तो वो बज रहा है और उसके बाद जब ट्रांजिशन हुआ तो वो बहुत धांसू था आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले दिस बैक स्टार्टिंग से तो गाइस ये मेरे साथ सुनना आप एक बार और आपको पता चलेगा कि कैसे म्यूजिक एकदम मतलब ही लव्स पे नहीं जाना है लिरिक्स पे नहीं जाना सिर्फ म्यूजिक पे जाना पीछे के इसकी बात या पहले वाला
यही यही बीच में उन्होंने तुम्हें एक पहले ऐसा लगा कि एकॉस्टिक जा रहा है, मतलब एकॉस्टिक बोले तो पूरा उस पे जा रहा है जो लाइव परफॉर्मेंसेस टाइप होती है जिसमें एकॉस्टिक बच रहा है, फिर एकदम पीछे इलेक्ट्रॉनिक बेस आई टोंग, ठीक है, फिर दोबारा वो आया, फिर लिरिक्स शुरू हुआ, फिर लिरिक्स शुरू हुआ। हाँ, तो वेरी वेरी मुझे अभी तक जो किसारी का गाना अच्छा लगा था वो ऑक्सीजन वाला सबसे अच्छा लगा था। हाँ, अभी तक का मेरा वो बेस्ट सॉन्ग था, उसी से स्टार्ट किया था उनके। हाँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन समहाउ मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है। आई डू नॉट नो इसकी वीडियो कैसी होगी, बट ये मुझे समहाउ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना एक एंड में इफ यू फील लाइक एक रैप टाइप सा भी आया थोड़ा सा। हाँ, मैंने एक्चुअली इसको सोच रही थी जब एक सॉन्ग बज रहा था ना, तो मैं इसकी वीडियो भी विजुलाइज कर रही थी कि कैसी होगी, जस्ट टू मेक श्योर कैसी आएगी। इसमें अगर कुछ कुछ सॉन्ग ओनली काफी सिंपल सोबर, हाँ, प्यारा गाना लिखा हुआ है। आई होप इसमें कोई स्टोरी बेस्ड टाइप करें। हाँ, ठीक है, इसमें ना वो सिर्फ डांस या फिर वो मत दिखाएं, अगर ये स्टोरी बेस्ड जाएगा तो ये गाना किल करने वाला है। yes. उस पे और बहुत बहुत धांसू हो जाएगा। तो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना प्ले दैट रैप पार्ट बैक। ओके, सो ये है वो रैप पार्ट। मेरे ख्याल से ये उन्होंने एक सांस में गाया है। हाँ, वन ब्रेथ। एंड देयर आर बी लाइक इफ आई एम नॉट श्योर कि किसारी भी रियल में सिंगर है या नहीं है, ठीक है, बट द वे ही इज परफॉर्मिंग, मैंने उनके दो तीन सॉन्ग्स देखे तो वो बहुत अलग है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही वाला सॉन्ग है जो लंदन में शूट होगा। I do not know that. लेकिन पीछे लंदन की बैकग्राउंड was in London. Yes, पीछे लंदन की बैकग्राउंड भी लंदन की है, तो there are chances कि इसकी वीडियो लंदन में शूट हो। yes. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट कह लो या फिर एक बहुत अच्छा एक्नॉलेजमेंट मिला था फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन जो उन्हीं के प्रोडक्शन में वर्क करते हैं एंड जो उनके साथ आई थिंक उस टाइम लंदन में थे, राइट, शूट कर रहे थे। yes, कि उन्होंने हमारा एक्चुअली रिएक्शन देखा और उन्होंने मैसेज किया हमें। yes. कि he liked the way we reacted. अगर आप वो गाइस चीज मिस कर चुके हैं तो हमारी पहले एक वीडियो आ चुकी है। yes. आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के एंड में रेड लिपस्टिक और या फिर वो डिस्क्रिप्शन में होगी जहां पर वी टॉक्ड अबाउट दिस, सो यू कैन गो एंड हैव अ वॉच। दिस इज इट फ्रॉम दिस सॉन्ग, बट वी आर गाइस कमिंग लाइव ऑन 25th ऑफ दिसंबर, दैट इज क्रिसमस ईव अराउंड 6 PM टू डू अ लाइव रिएक्शन ऑन द वीडियो ऑफ इश्क। तो आप सब भी हमारे साथ जुड़े, दो आप बाद में भी देख पाएंगे बट जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वी विल बी हैविंग अ लाइव इंटरेक्शन विद यू ऑल, राइट। एंड इफ यू गाइस हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अस, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हम हमको थोड़े से भी पसंद आते हैं, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड दैट लाइक बटन एज वेल एज द बेल बटन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। दिस इज मी निखिल साइनिंग ऑफ। मी वानी साइनिंग ऑफ। अडियोस।